हाँ भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 सक्षम इफ 2 cos थीटा माइनस sin थीटा x है ठीक है और cos थीटा माइनस 3 sin थीटा y है तो आपको ये प्रूव करना है। सीधी सी बात है लेक्चर वाला पार्ट लेना है और टारगेट सेट करने की अगर हम बात करें तो एक तरीके से x और y जो हमें यहां पे दे रखा है उनकी हमको इसमें क्या कर देनी चाहिए वैल्यू पुट कर देनी चाहिए सिंपली है ना। सबसे पहले मैंने LHS को यहाँ पे नोट कर लिया जो मुझे गिवन है 2x square plus y square minus का 2xy। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आदित्य बाद में लिखना समझ लो पहले मैं समझ लो पहले। अब अगर इसको हम पढ़ के देखें है ना इसको हम पढ़ के देखें अंशी x square plus y square minus 2xy होता तो ये आइडेंटिटी एक बार को बनती भी किसकी x माइनस वाई का क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर यही होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन राहुल ये a स्क्वायर नहीं है या x स्क्वायर नहीं है क्या है 2x स्क्वायर इसने 2 ने सारा खेल खराब कर दिया। इसका मतलब इसमें x माइनस वाई के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तो नहीं लगने वाली। अब देखो इसमें दो तरीके समझना एक तो यह है कि आप इस 2x स्क्वायर में से और इस 2x में से कॉमन ले लीजिए अनुष्का क्या कॉमन आ जाएगा इन दोनों में सही है। या एक तरीका ये है कि आप इस 2x स्क्वायर को लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हम 2 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 लिख सकते हैं तो बेटा 2x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को तो सीधी सीधी सी बात है भैया आप कैसे भी कर लो। अब किसी के दिमाग में ये क्यों आया अक्षिता कि हमको इसको x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखना चाहिए। अब ये भी तो मैंने पूछा कि अगर इस 2x स्क्वायर की जगह सिर्फ x स्क्वायर होता तो आइडेंटिटी बन जाती है ना वर्षा तो इसीलिए हम इसको तोड़ रहे हैं ठीक है अनुभव। तो बेटा इसको हमने लिख लिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy ठीक। हां जी आदित्य a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या बन गया x माइनस y का होल स्क्वायर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और ये x स्क्वायर एज इट इज चल रहा है। हमको x की वैल्यू क्या दे रखी है ऊपर से वो आप पुट कर दीजिए 2 cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों इसे ध्यान से करना x माइनस y है पहले x वाला पार्ट यहाँ पे लिखिए 2 cos थीटा माइनस का ठीक है और बेटा ये माइनस लग रहा है इस माइनस को लगा दीजिए y है बच्चों y आएगा cos थीटा ये माइनस है तो क्या माइनस आएगा प्लस क्यों आएगा क्योंकि आगे माइनस क्या होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो गया 3 sin थीटा। अक्षिता समझ में आया कि नहीं ये माइनस था जिसकी वजह से ये माइनस क्या हो गया का होल स्क्वायर सही है राहुल इसमें से तो चलिए कुछ भी नहीं कैंसिल होगा ये तो एज इट इज रहेगा इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है कैंसिल तो नहीं हो रहा लेकिन हाँ 2 cos थीटा में से cos थीटा गया तो cos थीटा और 3 sin थीटा में से sin थीटा गया तो sin थीटा ठीक है। इसका a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए आप अंदर ही a स्क्वायर बेटा 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab 2ab मतलब 2 टू द 4 cos थीटा sin थीटा। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्टेप बाय स्टेप बताते चलना कोई दिक्कत हो आ रहा है नहीं समझ में नीरज ये क्या बचेगा अभी एक स्टेप और बिगाड़ना पड़ेगा 2 cos थीटा में से cos थीटा गया प्लस का 3 sin थीटा में से sin थीटा गया बच्चों अब इसको तो ऐसे लिखना पड़ेगा मजबूरी है कुछ नहीं कर सकते इसका ये तो क्योंकि खुल चुका है लेकिन अब इस वाले ब्रैकेट को हम ओपन करने वाले हैं। चलो बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस 2ab 2ab मतलब 2 टू द 4 sin थीटा cos थीटा सबको समझ में आ गया माइनस प्लस के फाइंड कीजिए 4 cos थीटा sin थीटा 4 cos थीटा sin थीटा माइनस प्लस के ठीक 4 cos स्क्वायर और cos स्क्वायर 5 cos स्क्वायर थीटा हम इसको लिखेंगे 5 cos स्क्वायर बेटा sin स्क्वायर 5 sin स्क्वायर बच्चों को कैसे करूं
5 कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा? इसकी आइडेंटिटी राहुल से भी पूछी थी, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, यानी कि 5 * 1 5, और ये किसके इक्वल आ गया? समझ आ गया आपको? फिर से समझाना है किसी को? अनुष्का कोई भी स्टेप फिर से बताना है? अंशी, मयंक, आदित्य, सबको आ गया? हां अनुभव, चलो नोट करो, नोट करो, नोट करो।